अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के पास एक मोबाइल फ़ोन है? बिल्कुल है। अच्छा, उसके अंदर इंटरनेट का पैकेज है? भाई ये कैसा सवाल है, हमारे पास पेट्रोल डलवाने के पैसे हों या ना हों, पैकेज के पैसे ज़रूर होते हैं। तो भाई ये कैसा काम जो आप लोगों की आंखों के सामने होता रहता है और डेली बेसिस पे होता रहता है, और आप लोगों को पता नहीं होता कि यार ये बैकएंड के ऊपर ये जो काम कर रहे हैं इससे इनको फ़ायदा कितना हो रहा है। जस्ट दो एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करना है और आप लोग मंथली लाख डेढ़ लाख तो आराम से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये पूरी वीडियो पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आप लोग इजीली 2.5-3 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान प्रोसेस है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों की आंखों के सामने कई बार ये काम होता रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी ये बॉदर नहीं किया होगा कि यार अच्छा ये काम जो कर रहा है इसको इसका क्या फ़ायदा हो रहा है और इसकी कितनी अर्निंग हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो भाई दो एप्लीकेशन इसलिए हैं कि या अगर आप लोग मोबाइल पे करते हैं तो वो मोबाइल की एप्लीकेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ, लैपटॉप की एप्लीकेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रोसेस समझाता हूँ। दो प्रोसेस हैं इसके अंदर। पहले प्रोसेस तक रुक जाएंगे, थोड़ी अर्निंग करेंगे लेकिन पहले दिन से करेंगे और बिल्कुल करेंगे आप लोग, ठीक है। और अगर आप लोग पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो पूरे प्रोसेस के अंदर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है और उसके बाद अर्निंग जो है वो आपकी 2-3 टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों से डिस्कस करता जाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा लोग मिले। मैं अभी आप लोगों को जैसा कि पता है कि ईरान इराक गया हुआ था, तो मुझे वहाँ पे अपने बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स मिले, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स, और उनमें से ना 60-70% की एक ही शिकायत थी मेरे साथ, जिसमें मैक्सिमम जो थी वो फीमेल्स थी, ठीक है। उनकी एक ही शिकायत थी मेरे साथ क्या कि भाई आप जो वीडियो बनाते हैं ना वो आप ऐसे समझ के बनाते हैं शायद कि हम किसी इंटरमीडिएट लेवल पे या एक्सपर्ट लेवल के बंदे बैठे हुए हैं, तो आप ऐसे ना बनाया करें, आप ऐसे बनाया करें कि भाई एक एक स्टेप आराम आराम से, प्लीज़ आराम आराम से हमें समझाया करें, ठीक है। अब बात उनकी बिल्कुल बजा थी, मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आगे एक एक स्टेप रोक रोक के आहिस्ता आहिस्ता से आप लोगों को सारा समझाया करूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मेरे जहन में एक बात आई कि कुछ चबल दिमाग, खर दिमाग, या जिनको मतलब कि सीखने से गर्ज नहीं होती, वो आके फिर नीचे ऐसे कमेंट करते हैं कि यार बातें ना किया करो, सीधे पॉइंट पे आया करो, फलाना है तो ढींगना है, उनका मैं क्या करूँगा। तो जब ये दोनों बातें मैंने आमने सामने रखी तो मैंने कहा यार जो चवले मारते हैं उनको छोड़ो, जिन्होंने काम करना है उनको मैं फोकस करूँगा, उनको मैं टारगेट करूँगा और उनको मैं काम सिखाऊँगा और स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग सिखाऊँगा, ठीक है। सो इसीलिए मैं एक एक पॉइंट कवर करूँगा, एक एक स्टेप कवर करूँगा, जिसको तकलीफ़ है वो चला जाए, जिन्होंने सीखना है वही मेरा फोकस है, चाहे वो 10 बंदे ही क्यों ना हो। जी तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने मोबाइल पे जाना है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, जो भी है आपके पास, ठीक है। उसके अंदर ऊपर से नोटिफिकेशन से जैसे बार नीचे करते हैं ना, तो आप लोगों के पास स्क्रीन रिकॉर्डर की ऑप्शन होती है, ठीक है, बिल्ट इन एप्लीकेशन होती है, एक फीचर होता है आप लोगों के मोबाइलों के अंदर, एंड्रॉयड भी होता है और आईफोन भी, ठीक है, दोनों के अंदर स्क्रीन रिकॉर्डर की ऑप्शन मौजूद होती है। मेक इट श्योर कि ये एप्लीकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप लोगों के पास एंड्रॉयड है कोई बात नहीं, आप लोग प्ले स्टोर पर चले जाएं, वहाँ पर जाकर लिखें एक्स रिकॉर्डर, जो एप्लीकेशन आएगी उसको इजीली आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है, ओके जी। तो लैपटॉप के ऊपर आप लोगों के पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, लाइक मेरे पास जो है वो है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये मतलब कि क्रैक वर्जन चल जाता है, ठीक है, इसका प्रो वर्जन आ जाता है आप लोगों के पास, या इसके अलावा कोई भी आप लोग फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर जाके गूगल पे सर्च करेंगे, बहुत सारे आप लोगों को फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएंगे, ठीक है। ये देखें जिस तरीके से, ये देखें अभी मैं 7 स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है कि 50 सेकंड 51 सेकंड की रिकॉर्डिंग जो है ये हो चुकी है, ठीक है, इसको मैं 7 से मिनिमाइज कर दूंगा, ओके हो गया। चलें जी, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को मैं एक चीज़ नीचे दिखाता हूँ, ये मेरा बहुत पुराना चैनल है अर्निंग एंड लर्निंग, आप लोगों को पता है 6.5 लाख तकरीबन इस पर सब्सक्राइबर्स थे, मैंने काम करना छोड़ दिया था इस पर, तो इसके ऊपर ज़रा हम आते हैं जी। तो यहाँ पे देखें तो मैं बिल्कुल ही नीचे आ चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस के ऊपर, और यहाँ पे देखें तो ये देखिए मैंने वीडियो डाली थी कि इस्लामिक बैंक से आप किस तरीके से लोन ले सकते हैं, 5,16,000 व्यूज़ इसके ऊपर, ठीक है। कामयाब जवान प्रोग्राम का पूरा प्रोसेस बताया मैंने, उसके बाद फैसल बैंक का मैंने पूरा तरीका बताया, हबीब बैंक से गाड़ी लेने की बताई, यहाँ पर ये देखें मीज़ान बैंक के 2,66,000 व्यूज़ हैं, हबीब बैंक वाली पे 93,000 व्यूज़ हैं, और फिर उसके बाद बैंक अलफलाह पे, उसके बाद यहाँ पर ये देखें अखुवत लोन के ऊपर बनाई, 3,25,000 व्यूज़ इसके ऊपर, और मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक के ऊपर बनाई, वगैरह वगैरह, ये देखें आसान किस्तों पर बैंक से गाड़ी निकलवाएं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या, अब मैंने इसके अंदर कोई गिदड़ सिंगी नहीं की थी, कोई कुछ भी नहीं किया था, आप लोगों ने सिंपली आना है गूगल के ऊपर,
और यहाँ पे आके दो चीज़ें सर्च करनी है सबसे पहले, बल्कि तीन चार वेबसाइटें आप लोगों ने खोल के रख लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने NTS की वेबसाइट खोल के रख लेनी है। बे इंतहा अल्लाह माफ़ करे, इस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी चल रही है और लोग जो हैं जॉब्स की तलाश में हैं, ठीक है। और आप लोगों ने NTS की वेबसाइट ओपन करके साइड पर रख लेनी है। यहाँ पर आना है और आप लोगों ने FPSC की वेबसाइट जो है ये ओपन करके रख लेनी है, ठीक है। इस तरीके से जॉब्स की जितनी भी मतलब कि वेबसाइट्स हैं वो आप लोगों ने ओपन करके रख लेनी है। यहाँ पे अब आप लोग आएंगे और यहाँ पे आके आप लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग सर्च करते हैं HBL कार लोन, ठीक है, LOAN, ओके। यहाँ पे ये कर देते हैं आप लोग। यहाँ पे आप देखें NTS के ऊपर फॉर एग्जांपल हम आते हैं तो यहाँ पे जितनी भी डेली बेसिस के ऊपर जॉब्स आती हैं ना, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ओपन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे ये देखें, ये पहली जो जॉब है इसके ऊपर डिटेल्स पे क्लिक करना है आप लोगों ने। यहाँ पे ये देखें कि डाउनलोड इंग्लिश एडवर्टीजमेंट, क्लिक हेयर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। ये जितनी भी इश्तिहार है इस इश्तिहार को आप लोगों ने आसान लफ्ज़ों में बता देना है कि भाई यहाँ यहाँ वैकेंसीज आई हुई हैं इतने स्केल की, इतने स्केल की, इतने स्केल की, ठीक है। रिकॉर्डर अपना ऑन करके क्लियर हो गया। डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर भी पोस्टें आती हैं, डेली बेसिस के ऊपर FPSC के ऊपर भी पोस्टें आती हैं, ओके हो गया। तो डेली बेसिस का काम आप लोगों ने ये वाला करना है और उसके साथ साथ हफ्ते के अंदर दो वीडियोस आप लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बनानी है। कीप इन माइंड इसमें दो चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। हो सकता है कि ये शो करते हैं कि भाई हमारा सूद से पाक निज़ाम है, लेकिन बाद में जाके कोई गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी जहन में रखना है और अपनी वीडियो में डिस्क्लेम कर देना है कि भाई लोन लेने से पहले आप लोगों ने किसी इस्लामिक स्कॉलर से रब्ता करना है, इस्लामिक स्कॉलर की रिकमेंडेशन के बाद आपने लेना है, और अगर आप लोगों को इस्लामिक स्कॉलर रिकमेंड नहीं करता तब आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। इसके ऊपर अब आप लोगों ने काम करना कैसे है, यहाँ पर आए, इसकी हमने ये ओपन कर दी। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर ये देखें, ये अप्लाई नाउ का तरीका यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया, यहाँ क्राइटेरिया के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है और यहाँ पे ये पढ़ के बता देना कि भाई कौन कौन सा बंदा जो है वो ले सकता है आसान किस्तों पे। ये लिखा हुआ है, मेरी वीडियो जाके देख ले, सेम एज इट इज़ ही थी, ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा के, और मैं बता देता हूँ। ये आप देखें इसका थंबनेल कितना अच्छा बनता है, 20,000 रुपये में गाड़ी ले जाएँ, ठीक है। ये बता रहा है जी कि आपके मिनिमम जो इनकम है वो 20,000 होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप इसका थंबनेल बना दें कि 20,000 रुपये में गाड़ी ले जाएं। इसकी पूरी डिटेल आप लोगों ने बता देनी है। यहाँ पे कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में आप लोगों ने इनकी किस्तें भी दिखा देनी है कि भाई अगर इतना पैसा दिया है तो कितना रिटर्न करना होगा और किस्तें किस तरीके से देनी होंगी, ये सारा कुछ यहाँ पर ये देखें कैलकुलेटर के अंदर आ जाता है। स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है। जितने बैंक हैं, जितनी स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं, कोई शक्ल लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करें और इसकी सारी डिटेल बता दें। उसके बाद सेम एज इट इज़ आप लोगों ने FPSC की वेबसाइट पे आना है। जो भी जॉब आई हुई है, जो जॉब आई हुई है उसको कंप्लीट पढ़ के बता देना जी के फलां फलां डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हुई हैं, 15 ग्रेड की इतनी है, 14 ग्रेड की इतनी है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए आप लोगों को, सारी वो डिटेल बता दें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने उसको वीडियो तैयार कर लेना है। वीडियो तैयार करने के बाद उसके अंदर जो जो गलतियाँ होंगी आप लोगों ने काइन मास्टर में या किसी भी एडिटर के अंदर आप लोगों ने अपनी वो गलतियाँ साइड पे करके एक वीडियो तैयार कर लेनी है। यहाँ तक आप लोग रहेंगे, बे इंतहा व्यूज़ हैं। मैं ऑलरेडी अपने व्यूज़ आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ठीक है ना, बे इंतहा व्यूज़ हैं। बैंक आप लोगों से ख़त्म ही नहीं होने, ठीक है। यहाँ पर आप लोग आएँ तो पाकिस्तानी बैंक्स यहाँ पर लिखते हैं, पाकिस्तानी बैंक्स, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखें तो भाई बैंक आप लोगों के पास ख़त्म ही नहीं होने, और फिर हर बैंक की अलहदा अलहदा ऑफ़र्स हैं, हर ऑफ़र के ऊपर अलहदा बनाएं, घर के लिए अलहदा बनाएं, गाड़ी के लिए अलहदा बनाएं, पर्सनल लोन के लिए अलहदा बनाएं, अकाउंट खुलवाने के तरीके पर अलहदा बनाएं, सौ चीज़ें बन जाती हैं। अब जिस बंदे ने यहाँ तक रहना है वो भी ठीक है, मतलब कि अच्छी खासी वो अर्निंग कर सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जिस बंदे ने इससे बढ़ के आगे अर्निंग करनी है वो मेरी वीडियो ज़रा फॉलो करता जाए। अब जिस बंदे ने मेरी यहाँ तक वीडियो फॉलो की है, बहुत अच्छा है, वीडियो बन गई, सिंपली अपना एक YouTube चैनल बनाएं। कैसे बनाते हैं वो बता देता हूँ, और उसके ऊपर अपनी वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दें, और इंशाल्लाह विद इन अ डेज आप लोगों का चैनल ग्रो हो जाएगा स्पीड में, क्योंकि ये चीज़ें हर वक्त सर्चिंग में रहती हैं, हर वक्त रिकमेंडेशन में रहती हैं, और पाकिस्तान के अंदर तो हालात आप लोगों के सामने हैं। आपने सिंपली आना है, YouTube पे लिखना है मेक YouTube चैनल, आगे मेरा नाम लिख दें शफीक, ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगी, इसको देख के YouTube चैनल बना लें। वीडियो अपलोड करने का तरीका भी इसके एंड पे आ जाता है,
वो भी देख लें, वीडियो अपलोड करने का सारा प्रोसेस जो है वो इसमें समझाया हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है। अब जिन्होंने थोड़ी बहुत अर्निंग करनी थी वो इस पॉइंट तक रह गए, अब जिन्होंने 2x 3x 4x अर्निंग करनी है वो अगले मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करते जाएं और गौर से मेरी बात सुनते जाएं। उन्होंने आना है सिंपली गूगल पे, और गूगल पे आके आप लोगों ने लिखना है ब्लॉगर। ठीक है, ब्लॉगर लिखने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक इन्वायरमेंट आ जाएगा आप लोगों के सामने। ठीक है, मैं बल्कि एक फ्रेश बना देता हूँ, न्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जॉब्स पीके ऑनलाइन 12 फॉर एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस भी वही दे देता हूँ, जॉब्स पीके ऑनलाइन 12। ओके, तो यहाँ पे यार ये स्पेस आ गई 12। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल है और इसको हम कर देते हैं जी सेव। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, न्यू पोस्ट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, ये न्यू पोस्ट आ गई। अब आप लोग जहाँ पे वो NTS की वेबसाइट पे थे, ये वाला, इसको राइट क्लिक किया, सेव एज इमेज कर लिया। ठीक है, इसको आप लोगों ने इमेज सेव कर ली। यहाँ पे आप लोग आए, ऊपर से टीचिंग फैकल्टी रिक्वायर्ड फलाना फलाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने आके यहाँ पे लिख देना है जॉब्स इन रावलपिंडी या जो भी जहाँ पे भी हैं। ठीक है, ये करके यहाँ पे आना है आप लोगों ने, यहाँ पे ये इमेज पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, चूज फाइल, और ये उठानी है और इसको आप लोगों ने ये यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है, आपकी इमेज वो वाली जो थी वो सारी उठ के यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे इधर अप्लाई नाउ का बटन लगा देना है, APPLY अप्लाई नाउ। ठीक है, अप्लाई नाउ का बटन लगाया, बटन लगाने के बाद इसको आप लोगों ने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए ये लिंक नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप लोगों ने किया क्लिक और वापस आए इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक हेयर। ठीक है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है, ये आप लोगों के सामने ये पोर्टल आ जाएगा, इसका आप लोगों ने लिंक करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आएंगे वापस और यहाँ पे आके आप लोगों ने लिंक कर देना है पेस्ट और ओपन इन न्यू विंडो और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। मतलब कि जो बंदा भी आएगा इस ये जितना इश्तिहार लिखा हुआ है इसको आपने अपने लफ्ज़ों में भी बेशक लिख के इसके नीचे डाल दें। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, आजकल तो टूल भी मिल जाते हैं इमेज टू टेक्स्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे सारा इसके नीचे ये भी डाल दें। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने ये करना है कि भाई इसके ऊपर एड्स टैरा के ऐड भी साथ लगाने हैं और इसके ऊपर ट्रैफिक भी भेजनी है। कैसे भेजनी है मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों ने आना है एड्स टैरा पे। ठीक है, तो इसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे साइन अप का बटन होगा। ठीक है, साइन अप के बटन के ऊपर आप लोगों ने एज अ पब्लिशर करना है और गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आप लोगों से फर्जी इन्फॉर्मेशन लेगा, वो इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे, उसके बाद सिंपल लॉगिन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस लॉगिन में आने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आप लोगों का आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी मेरे इस अकाउंट में $27 पड़े हैं। ठीक है, ऐड वेबसाइट पर आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे वेबसाइट वाली जगह पे आना है और ये जो आप लोगों का ब्लॉग है इसको आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कर देना है पब्लिश। पब्लिश के बाद कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आप लोग आएंगे नीचे व्यू ब्लॉग की ऑप्शन। ठीक है, व्यू ब्लॉग पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, ये इसको कॉपी करना है Ctrl+C जी। तो ये देखें ये सारा ब्लॉग आपके सामने आ रहा है, अप्लाई नाउ का बटन भी आ रहा है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे और इसको आप लोग कर देंगे पेस्ट, राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इसको सोशल कर दें। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला बैनर ऐड कर दें, सोशल ऐड भी कर दें बल्कि बैनर ऐड कर दें। ठीक है, ये करने के बाद आप लोगों ने ऐड पे क्लिक कर देना है, 2 मिनट के अंदर आप लोगों की वेबसाइट का अप्रूवल आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप लोगों की वेबसाइट्स का अप्रूवल यहाँ पर नज़र आएंगी आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक अप्रूव हो ही पड़ी है, तो ये अभी इसके ऐड इनएक्टिव हैं यार, तो मैं इसको दोबारा से एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, रीसबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये अभी 2 मिनट में मेरे ऐड एक्टिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गेट कोड पे आप लोगों ने क्लिक करना होगा, ये जो कोड आएगा इसको कोड को कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद वापस आना है। ठीक है, अपने ब्लॉग के ऊपर ये इसको दोबारा आप लोगों ने एडिट करना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करके आप लोगों ने HTML व्यू में चले जाना है, सबसे ऊपर इसको क्लिक करके नीचे करना है और यहाँ पर कोड पेस्ट कर देना है और सबसे नीचे यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर कोड पेस्ट कर देना है और इसको कर देना है आप लोगों ने अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग आए वापस इस जगह पे और आप यहाँ पे आके ज़रा इसको रिफ्रेश करें, तो बल्कि हमारी यही जॉब्स वाली ही अप्रूव हुई है, तो इसी का ही कोड कॉपी करते हैं। ठीक है, कोड कॉपी किया, कॉपी करके आएंगे यहाँ पे हम वापस और यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं इधर
और ये इधर इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सबसे ऊपर जाके पेस्ट करते हैं और इसको कर देते हैं हम अपडेट। जैसे इसको हम अपडेट करेंगे, यहाँ पे आएँ, इसको आप लोग करें ज़रा रिफ़्रेश, थोड़ा सा वेट करें, ये देखें इसके ऊपर भी ऐड आ जाएगा, नीचे भी, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या होगा, आप लोगों ने सिंपली ये काम करना होगा कि जब आप लोग वीडियो बना रहे होंगे, सारी डिटेल बताने के बाद उनको कहना है कि भाईजान इस जॉब पे अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा वो आप लोगों के ब्लॉग का लिंक होगा, जब लोग आपके ब्लॉग पे आएंगे यहाँ पे आके सीधा अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, NTS के पोर्टल पे चले जाएंगे, जब आपके वो उसके ऊपर आएंगे, आपके ब्लॉग के ऊपर आएंगे, आपने वहाँ पे सारा डिटेल में लिखा हुआ भी होगा, वो उसको एक बार पढ़ भी लेंगे सारा कुछ, देन अप्लाई नाउ पे जाएंगे, तो भाई जितनी देर वो आपके ब्लॉग पे रहेंगे ब्लॉग की आपको वक्री अर्निंग होती रहेगी, ठीक है। और उसके बाद थोड़े से अगर आप सियाने बन जाते हैं तो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे जब अपना ब्लॉग अपडेट करेंगे और ख़ुद सारी टाइपिंग करेंगे तो भाई आसानी से गूगल एडसन से भी आपका अप्रूवल आ सकता है, ठीक है। तो जब तक आप लोगों का गूगल एडसन से अप्रूवल नहीं आता, नो प्रॉब्लम, एड्स टेरा से अर्निंग करते रहे, सिंपल इज दैट, ठीक है। यूट्यूब से भी करते रहे और अपने ब्लॉग से भी करते रहे, ओके हो गया। तो ये था जनाबे वाला बिल्कुल आसान प्रोसेस, एक वीडियो बनाने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, यकीन करें, बिल्कुल स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपने वो इश्तिहार पढ़ के बता देना है, इतना सा काम है। उसके बाद डिपेंड करता है आप लोगों का थंबनेल थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे तो फिर व्यूज़ ही व्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह। होप सो आप लोगों को प्रोसेस समझ आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, फाइंदाबाद।